आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। लाखों दावों के बाद भी देश भर में दहेज प्रथा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से प्रकाश में आया है, जहां बरनाहल थाना क्षेत्र के गड़िया दीनानाथ में शादी की सारी तैयारियां हो जाने के बाद लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि लड़के पक्ष ने 1,00,000 रुपये नकदी के साथ अंगूठी और लड़की करी की मांग की थी, जिसको लड़की पक्ष ने देने से मना किया तो लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने पूरे मामले से पुलिस को अवगत करवाते हुए मामला दर्ज करवाया है। ज्ञात हो कि युवती का विवाह 7 मई को होना तय हुआ है। रिश्ते में दरार आने से पूरा परिवार चिंतित नजर आ रहा है। क्या पूरा मामला है जो आज आप थाने आए हैं? जी सर, हमारी दिसंबर में शादी तय हुई थी और गांव चरावली और लड़का का नाम पिताजी का नाम सिद्ध सिंह है, लड़का का नाम नायक सिंह है और आज हमारी लगन पक्की होने के लिए जा रही थी और पंडित सारे लोग हमारे घर पर बैठे थे तो उधर से फ़ोन आया सुबह, लड़का बोला कि मुझे दहेज चाहिए। 3,00,000 की शादी तय थी, पिताजी ने 1,00,000 कर्ज पर उठा के दहेज दे दिया था और 1,00,000 की पक्के में दे आए थे और 1 अंगूठी सोने की। तो उन्होंने आज सुबह धमकी दी अपने फ़ोन पर कि अगर तुम और दहेज लेके नहीं आओगे 1,00,000 रुपये और मेरे घर के लिए सारे लोगों के लिए अंगूठी सोने की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और शादी मेरे घर पर नहीं कर पाओगे आप। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अमूल प्रताप है, गलीदी में नाम। क्या पूरा मामला है? यह मामला हमारा जो है, हमारी बहन की शादी थी, अब तैयारी हो गई थी उसके लिए, आज मेरा लगन टीका जा रहा था मेरे बहन के लिए, उसके लिए फिर उन्होंने फ़ोन पर मना कर दिया अगर लगन टीका नहीं चढ़ाएंगे 1,00,000 रुपये चाहिए हमको, और मैंने 1,00,000 रुपये एक अंगूठी हमने बेच चुके थे पक्की।